सेना में बहुत पुरानी मांग है जिस पर सरकार का अभी तक कोई भी हमें जवाब नहीं मिला है, ना कोई प्रतिक्रिया मिली है। हमारे पूरा यादव समाज खेड़ की दौला टोल पर पिछले कई महीनों से बैठा है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हमने कई शक्ति प्रदर्शन भी किए हैं जो हमारे शांतिपूर्वक किए गए हैं, जिस पर अभी तक सरकार का हमें कोई भी आश्वासन या हमसे कोई भी अधिकारी आकर नहीं मिला है। अब हमने जो 23 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया था, जिस पर भी हमें कोई भी आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं मिला, हमें वहाँ से निराश होकर लौटना पड़ा। अब हमारे समाज ने इकट्ठा होकर मीटिंग करके फैसला लिया है कि अब हम शांतिपूर्वक धरना नहीं करेंगे, अब हमारी आर पार की लड़ाई रहेगी। अब हम 18 नवंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे NH8 के ऊपर चक्का जाम करेंगे, जिसमें हमारा पूरे यादव समाज, जिसमें युवा साथी भी हमारे और 36 बिरादरी का पूरा हमें सहयोग है, जिसमें हमारे राव अमर सिंह जो समाज सेवी हैं, परवेश दोराता जी जो गुजर समाज से हमारे 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा है, वो हमारा पूरा समाज हमारे साथ 36 बिरादरी समर्थन दे रहे हैं। अहिर रेजिमेंट की मांग आज ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आप किसी भी युद्ध को उठा के देख लीजिए, आप 1857 से लेके आप नसीबपुर की लड़ाई उठा लीजिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध उठा लीजिए, चाइना का उठा लीजिए, हर युद्ध में हमारे वीर हीरो ने अपना बलिदान दिया है। आपको जो बता देता हूँ कि 1857 रेजांगला जो युद्ध हुआ था, उसमें उसके बाद लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, उसमें हर जाति का वर्णन किया हुआ है। आप किसी भी जाति का उठा लीजिए, जाट, मराठा, सिख, हर जाति का, सिर्फ एक ही जाति का उसमें कोई वर्णन नहीं है। और वो जो रेजांगला युद्ध जो हुआ था, उसमें जो 114 वीर अहीर थे, वो हमारी जाति से बिलोंग करते हैं, अहीर थे वो, यादव समाज से थे, पर उनका किसी भी तरह का कोई भी वर्णन नहीं किया गया। सरकार ने और समाज जो सरकार है उसने हमारे हमेशा अहीरों का इतिहास दाबने की कोशिश की गई है, और हम वो अब कदापि नहीं होने देंगे। अब युवा साथी सारे जाग चुके हैं, उनको पता लग गया उनका इतिहास क्या है, तो हम इसी को अब बनवाने में अब रहेंगे, और हमें हमारा सम्मान चाहिए। जो हमारे वीर भाई थे जो रेजांगला में जो शहीद हुए, और जो हमारे युद्ध थे उनके अंदर हमारे जो भाइयों ने अपना बलिदान दिया, उसके लिए हमें हमारे मान सम्मान में अहिर रेजिमेंट की मांग है। इसमें हमारे नेता भी कमज़ोर हैं, हमारे नेता धरातल पर नहीं आते हैं, सिर्फ वैसे समर्थन देते हैं, मौलिक रूप से समर्थन देते हैं। BJP सरकार के तो नेता बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। जो इस पर हमारा एक नारा भी है, आपने बहुत सुना भी होगा, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज की भी गलती रही है, ये हमारे समाज की भी है। हमारे पीढ़ी जो बुजुर्ग थे वो शांतिपूर्वक जो धरना चलाते थे, उसमें भी गलती रही है, पर अब जो युवा है वो समझ चुका है, उसको अपना समझ आ चुका है कि अब उसका हक क्या है। हमारे जो भाई थे जो रेजांगला में शहीद हुए, या हर जो भी युद्ध हुए, हर युद्ध में आप किसी भी युद्ध को उठा के देखिए, आप उसमें आपको वीर अहीर मिलेंगे, आपको ज़्यादा तादाद आपको यही मिलेगी। और रेवाड़ी जो ये बेल्ट है, दक्षिण हरियाणा जो बेल्ट है, जो अपना इधर का, ये पूरा कोयले की खान कहा जाता है, एक तरीके से हम कोयले की खान बोलते हैं, उसी तरीके से ये जवानों की खान कहा जाता है। यहाँ से जितने भी भाई आपको मिलेंगे, सारे अहिरवाल की ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो उस पर अब हमारे जो भी युवा साथी, अब इन्होंने आहार भर ली है, उकार भर ली है, अब 18 तारीख को हम तल बल से वहाँ पर जाकर हम पूरा समर्थन करेंगे और चक्का जाम रखेंगे। जी ये है कि हमने पिछले कई सालों से, हमें कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, वो हमें आकर सिर्फ आश्वासन देता है, पर हमारे साथ उस मांग को सांसद में या कहीं पे नहीं उठाता है। अभी कुछ नेताओं ने उठाया है, पर हम अब जो लोग समझदार हुए, युवा साथी जो साथ हुए, अब उठाना स्टार्ट हुआ है, तो हमारा एक ही मांग है, भाई जो हमारी अब रेजिमेंट बनवा देगा, बस वोट वही पाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, कैसा भी हो। मैं एक समाज सेवी हूँ, मेरा भाई सचिन को पूरा समर्थन है। जो हमारी जो मांग उठाई जा रही है भाई की तरफ से, बल्कि हमारे समाज की तरफ से, ये बिल्कुल जायज़ है। अब इसके ऊपर एक सीधा सीधा ये है कि जो हमारे नेता हैं वो सिर्फ बोल के चले जाते हैं, अगर वो अपनी साइड से कोई एफर्ट लगाएंगे तो कुछ होगा, पर अब युवा सारे जाग चुके हैं, सब ने सोच लिया है कि ये करके दिखाना है।
इसलिए हमारा सारा समर्थन है भाई को और हमारे समाज की तरफ से और 36 बिरादरी के भाईचारा सारा साफ है। आपने कहा जी ये नेता हमारे बनाए हुए तो हैं पर ये अब बनने के बाद फिर हमारे नहीं रहते, उसके बाद ये भूल जाते कि किसने तुम्हें बनाया है। आयर रेजिमेंट क्यों मांग कर रहे हैं और क्यों दें सरकार? आयर रेजिमेंट हम इसलिए मांग कर रहे हैं जो हमारे बड़े थे जो शहीद हुए हैं उनके लिए और सिर्फ एक नाम के लिए, ना हम कोई ज़मीन मांग रहे ना हम कोई और चीज़ मांग रहे, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। ठीक है अब हाईवे को जाम करने का है जी 18 तारीख को।